हुआ साहिब अल गदीर अल्लामा अब्दुल हुसैन अल अमीनी, इनके मुतालिक मिलता है। खुद इन्होंने अपना वाकया बयान किया कि इराक़ का उस जमाने में जो वजीर सकाफती उमूर था, इराक में सुन्नी वज़रा भी होते हैं, ज़ाहिर मिक्स टाइप की गवर्नमेंट होती है, वजीर सकाफती उमूर जो था वो गैर शिया मुसलमान था, उसकी एक ही औलाद थी। इतनी शदीद बीमार हो गई कि तमाम अतिबा डॉक्टर्स ने मना कर दिया कि नहीं, अब ये सही नहीं हो सकता, अब इसको मज़ीद तकलीफ़ नहीं दो, घर के किसी एक कोने में डाल दो ताकि आसानी के साथ इसका दम निकल जाए। हर जगह से नाउमीद हो गया, किसी ने उसको अल्लामा अब्दुल हुसैन अल अमीनी का बताया, कहा कि वो अपने आका और मौला का बहुत ज़्यादा दम भरता है और कहता है कि यानी किसी को उनसे बरतर नहीं समझता है, और पूरी दुनिया के कुतुब खानों को उसने खंगाल डाला है उनकी विलायत के लिए, और किताब लिखी अलगदीर के नाम से। तो बाकायदा उस वज़ीर सकाफती उमूर ने पूरी एक ख़त लिखा अल्लामा अब्दुल हुसैन अल अमीनी को, और उसके अंदर यही बात तमाम अपने बेटे की लिखी, और लिखा कि आगा अमीनी, मेरा बेटा मर रहा है, तबीबों ने हाथ उठा लिया है, क्या आप अपने मौला से शिफा दिलवा सकते हैं? बस एक मुख्तसर सा ख़त उसने लिखा। वो ख़त कोई शख्स अल्लामा अमीनी के पास लेकर आया और दरवाजे के बाहर इंतज़ार कर रहा था कि इसका जवाब दे दें। अल्लामा अमीनी ने फौरन उसी वक्त ख़त को उठाया और उसके पीछे उसका जवाब लिखा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, खुदा ने बरकत अमीरुल मोमिनीन की वजह से तेरे बेटे को शिफा दे दी है। अच्छा, ये नहीं लिखा कि खुदा शिफा दे देगा, खुदा ने बरकत अमीरुल मोमिनीन से तेरे बेटे को शिफा दे दी है, और बस ये लिखकर खत को भेज दिया। वो शख्स खत लेकर गया वजीर सकाफती उमूर के घर, और इधर अल्लामा उसी वक्त रोज़ा हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहुंच गए। और ज़रिए अमीरुल मोमिनीन के सामने आकर एक जुमला कहा कि मौला एक हवाला भेज दिया है, खुलासा बस यह है कि इज्जत रख लीजिएगा। अच्छा, उस उधर वजीरे सकाफती उमूर को वो ख़त मिला, उसने पढ़कर भागता हुआ अपने बच्चे के कमरे में गया, देखा कि वो बिस्तर मर्ग पर लेटा हुआ बच्चा हशाश बशाश बिस्तर के ऊपर बैठा हुआ है। तो हज़रत अमीर पर पूरे यकीन और इत्मीनान के साथ, पूरे यकीन और एतमाद के साथ उनका वसीला देकर दुआ करें, इंशाल्लाह आप देखेंगे कोई इम्कान ही नहीं होगा कि इस शब कदर के अंदर हज़रत अमीर का वास्ता और वसीला बनाया जाए और फिर भी दुआ रद्द हो जाए। देखिए, एक तरीक़ा और भी है दुआओं को कबूल करवाने का, उलमा भी इसको अप्लाई करते हैं। जिस ज़माने में ये हमारा नया मदरसा बना नहीं था और हम किराए